हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी क्लास में नाउन और उसके केसेस पढ़े थे। कराना तो कल हम फंक्शन भी चाहते थे, लेकिन वो समय अभाव के कारण नहीं हो पाया, तो फंक्शन हम आज कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाउन। सो लेट्स सी, फंक्शन ऑफ नाउन। मैं आपको एक बात बता दूं कि फंक्शन का मतलब होता है कार्य। आप किसी को भी, किसी नाउन को भी यदि पहचानते हैं, तो आप उसके कार्य से ही पहचानते हैं। मान लीजिए आपका नाम रोहन है, लेकिन सारी दुनिया आपको तो नहीं जानती, आपको आपके कार्य के हिसाब से पहचान लिया जाता है। ये अक्सर मैं बताता हूं इस बात को कि मान लीजिए रोहन नाम का कोई व्यक्ति है, तो सब उसका नाम रोहन तो नहीं जानते, लेकिन यदि रोहन को हम ड्राइविंग की सीट पर बैठा देंगे, तो लोग उसे पहचानने लगेंगे कि वो ड्राइवर है। अगर वो मरीजों को देखने लगेगा, तो मालूम पड़ने लगेगा कि वो डॉक्टर है। अगर वो प्लेन उड़ाने लगेगा, तो उसे पायलट कहने लगेंगे। माने कि एक नाउन को, जबकि उसका बेसिकल नाम रोहन था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने काम बदले, अपने कार्य बदले, उसी तरह से हमने उसको नाम दिया कि वो पायलट है या डॉक्टर है या ड्राइवर है या इंजीनियर है। तो ये चीज मतलब डिपेंड करती है फंक्शन पर ही। तो अभी हमको क्या देखना है कि ऐसे ही नाउन का क्या फंक्शन है। सेंटेंस एक फैमिली की तरह है, और सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं उनमें नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। तो लेकिन उसके फंक्शन को देख के हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या और कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ ए नाउन। तो नाउन का पहला फंक्शन होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। माने कोई भी नाउन वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आता है। तो स्ट्रक्चर सामान्य रूप से हम सेंटेंस की यही पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होती है। तो सब्जेक्ट जो होगा नाउन का, ये सेंटेंस लिखा मैंने, रोहिणी हेल्प मोहिनी, तो वर्ब है ये। और वर्ब को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो भागों में, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह पढ़ लेते हैं हम, हो सकती है। लेकिन इससे पहले जो आ रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रोहिणी। रोहिणी क्या है, सब्जेक्ट है। और बेसिकली रोहिणी क्या है, एक नाउन है। तो देखिए इस रोहिणी ने क्या काम किया यहां पर, सब्जेक्ट का। तो क्या है ये, नाउन। तो पहला काम है नाउन का कि नाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, माने इस हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, नाउन रोहिणी। दूसरा फंक्शन होता है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। स्ट्रक्चर वही होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस में देखिए, हेल्प वर्ब है और ऑब्जेक्ट कब आता है, वर्ब के बाद। तो वर्ब क्या है हमारी, हेल्प। वर्ब है हमारी हेल्प, और ये वर्ब भी हमारी, अगर सेंटेंस और टेंस कोई और होता तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कन्वर्ट हो सकती थी। अब ये जो रोहिणी यहां सब्जेक्ट थी, इस रोहिणी को हमने लास्ट में रखा, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रोहिणी ऑब्जेक्ट। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रोहिणी क्या है, एक नाउन ही तो है। तो यहां से हमारी दो बातें क्लियर होती हैं कि नाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है और नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, नाउन को आप किसी भी जगह पर प्लेस कर दें, मतलब किसी भी जगह रखें नाउन को, लेकिन नाउन के फेस में कोई चेंज नहीं आता, जबकि प्रोनाउन में फेस भी चेंज हो जाते हैं, वो बात हम आगे पढ़ेंगे। नाउन का तीसरा फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट वर्ब, यहां जो वर्ब होगी आपकी, ये वर्ब के साथ कंडीशन ये है कि ये बी वर्ब ही होनी चाहिए, बी वर्ब के बाद आने वाला नाउन, यानी बी प्लस नाउन जब होगा तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, राम इज ए बॉय, और बी वर्ब आप समझते ही हैं, बी वर्ब से मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज,
वर्ब, तो इन वर्ब्स के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसके बाद आ रहा है आपका ए बॉय, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। किसका कॉम्प्लीमेंट, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। एक चीज और मैं यहां आपको बता दूं कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का काम एडजेक्टिव भी करता है। ये सेंटेंस अगर मैं ऐसे लिख दूं, राम इज गुड, तो देखिए गुड क्या है, एडजेक्टिव। ये किसके बाद आया, बी वर्ब के बाद। तो बी वर्ब के बाद जो चीज आती है वो क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट, चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो। अभी हमें एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ नाउन पढ़ना है। तो नाउन के हिसाब से हम देखते हैं कि जब ये इस तरह आ जाता है वर्ब के बाद कोई भी नाउन, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नाउन के रूप में एडजेक्टिव प्लस वर्ब दोनों ही आ जाते हैं। अभी इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। तो अब इस वर्ब के बाद जो चीज आ रही है वो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट में आप देखेंगे तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, जबकि बॉय क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस तरह से तीन चीजें आपकी यहां क्लियर होती हैं कि नाउन बी वर्ब प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट, बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, और बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव बी प्लस नाउन इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अगला फंक्शन है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, प्रपोजिशन प्लस नाउन, कोई भी नाउन जब प्रपोजिशन के पास आता बाद आता है तो उसे हम प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बोलते हैं। देखिए अक्सर देखिए आप, द्रोपा गोज टू स्कूल, तो टू क्या है आपका यहां पर, प्रीपोजिशन, टू क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रपोजिशन में क्या जुड़ा है, स्कूल, स्कूल क्या है, नाउन, स्कूल क्या है, नाउन। तो प्रपोजिशन प्लस नाउन वाली कंडीशन यहां पर सेट हो गई। तो इसका मतलब जब भी नाउन प्रपोजिशन के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब आगे तो अभी हमने कितने फंक्शन किए, पहले चार फंक्शन, अब पांचवा फंक्शन क्या होता है हमारा, केस इन अपोजिशन। इसमें क्या होता है बेटा, नाउन वन कॉमा नाउन टू, माने एक साथ दो नाउन, प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों में से एक चीज हो सकती है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जवाहरलाल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें जवाहरलाल सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस, जवाहरलाल वॉज द सन ऑफ मोतीलाल, जवाहरलाल ये सेम पर्सन, सन ऑफ मोतीलाल, तो इसे हम, इसमें हम क्या करते हैं, जवाहरलाल एन वन और द सन ऑफ मोतीलाल एन टू, एन टू मतलब समझ रहे हैं, नाउन वन, नाउन वन का मतलब एन वन, एन टू नाउन टू। तो ये जवाहरलाल द सन ऑफ मोतीलाल एक ही आदमी है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है, एन वन प्लस एन टू कर देना है, एन वन प्लस एन टू, जवाहरलाल द सन ऑफ मोतीलाल, और उसके बाद में इसको जोड़ देना है, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस कंडीशन में जब हम दो नाउन को एक साथ लेके आते हैं, और ये नाउन की जगह पर नाउन फ्रेज भी हो सकती है, क्लॉज भी हो सकती है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन। ये नाउन का पांचवा फंक्शन होता है, ठीक है। नाउन का छठा फंक्शन है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पूरक, या इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है जनरली आपका, लेकिन बाद में कॉम्प्लीमेंट भी इसमें जुड़ जाता है। एक्चुअली हम लोग जो सेंटेंसेस में पढ़ते हैं सिर्फ क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अदर वर्ड में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो अदर वर्ड हम लोग क्लियर नहीं करते। तो ध्यान रखना है, वो अदर वर्ड क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखना हमको क्या है, जैसे देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, दे मेट रामा, रामा क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट,
लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपना अर्थ कंप्लीट नहीं कर पा रहा। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, जो अर्थ को कंप्लीट करने का काम करता है। उन्होंने रामा को बनाया, क्या कंप्लीट सेंटेंस है? कंप्लीट सेंस है इसका, ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर पा रहा सेंटेंस को, नहीं कर पा रहा। तो इस कंडीशन में हमको ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला, ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला एक वर्ड चाहिए होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कौन कर रहा है? कैप्टन। दे मेड रामा कैप्टन, उन्होंने राम को क्या बनाया? कैप्टन बनाया। तो कैप्टन क्या है? यह है कॉम्प्लीमेंट। अगर आप बेसिकली देखेंगे तो देखिए, रामा भी एक नाउन है और कैप्टन भी एक नाउन है, लेकिन ये नाउन ऑब्जेक्ट है जबकि ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। यहां एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम सिर्फ नाउन ही नहीं करता, एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। जहां कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही है वहां एडजेक्टिव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, दे मेड रामा कैप्टन को रिमूव करके इसकी जगह पर हैप्पी वर्ड जोड़ देता हूं मैं। मान लीजिए क्या जोड़ देता हूं? हैप्पी। तो हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट का काम किसने किया? एडजेक्टिव ने किया। इसके अलावा जैसे ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसी तरह से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है ये और बता देता हूं मैं आपको मिटा करके। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में जनरली आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ के गए हैं आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वो एक्चुअली सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होते हैं। लेकिन उसमें ध्यान देने की बात, जहां सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात हो, बेसिकली वहां लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन जब होगा। जैसे वही एग्जाम्पल था, रामा इज अ बॉय, तो ये एग्जाम्पल भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का ही होगा। जैसे ही सीम्स फूल, तो ये फूल भी एडजेक्टिव, सॉरी आपका नाउन है। तो ये देखिए, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, सीम्स है, टेस्ट है। तो इस तरह की कंडीशंस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि इन फंक्शंस के बाद आपको ध्यान ये रखना है, अब कुछ हमारे रूल्स और रह गए हैं नाउन के, उसके बाद हम नाउन कंप्लीट कर देंगे। वो रूल्स ये क्या है? करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन, करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन। इसमें हमको देखना है कि नाउन का हमें करेक्ट यूज कैसे करना है, ठीक है? तो इसको हम अपनी अगली क्लास में कर लेंगे। और कल कुछ दिक्कत आई है बच्चों को बोर्ड पर देखने में, तो कम शॉर्ट टाइम होने की वजह से बोर्ड पर थोड़ा घना लिखना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसे भी हम स्किप कर करके लिख पा रहे हैं। तो अब की बार कोशिश की गई है कि थोड़ा बड़ा लिखा गया है। और करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन में हम देखेंगे, नाउन बेसिकली फेस और सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हम आगे अगली कक्षा में देख लेते हैं। धन्यवाद।